अपनी बारगाह में हमारी इस आज की नाकिस कोशिश को, इबादत को मौला कबूलियत का दर्जा अता फरमा। बिलखसूस बिलखसूस मौला आज दूर दराज से, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से, मुख्तलिफ सूबों से चलकर यहाँ तेरे जो नेक बंदे, तेरे महबूब के उम्मती, तेरे बंदों में से एक बंदे सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जीलानी के अकीदत व मोहब्बत का जाम पीने वाले उनके पैरोकार आए हुए हैं मौला, इनकी आज इनके आज के इस सफ़र को कबूल फरमा ले मौला। सफ़र की जिन सहूबतों को बर्दाश्त करके ये आए हैं मौला, आज इनके जो भी छोटे बड़े गुनाह हों मौला, मैं ये नहीं कहता कि कल कोई शेखुल इस्लाम नहीं हो सकता, मगर ये कहता हूँ कि 65 साल में एक ही शेखुल इस्लाम है जिसका नाम मदनी अशरफी जिलानी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वही तंग दिमाग ही निकले, जिन फलों पे हमें तकिया था वो दाग ही निकले। करबला और किछोछे से सबक एक मिला, करबला और किछोछे से सबक एक मिला, जो मेरे घर के पले थे वही बाग ही निकले। मिलाज़े अरबाबे शौको इरफा, माज़े असहाबे ज़ौको विज़दा, मुक्तदल अनाम शायखुल इस्लाम, हाफिज़े किराते सबा। अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से हमारी तौबा कबूल फरमा। हुजूर शेखुल इस्लाम मद जिल्लुल आली की खिदमत आलिया का ताल्लुक है, तो ये ऐसी शख्सियतें तो सदियों में पैदा होती हैं और इनको पैदा ही किया जाता है दीन की खिदमत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। ऐसे लोग पैदा किए जाते हैं, पैदा होना और है और पैदा किया जाना और है। और आज उस तड़प को लोगों ने दिखाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हम हुजूर शेखुल इस्लाम के वफ़ादार थे, आज भी हैं, और हम तो क्या इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी हुजूर शेखुल इस्लाम के वफ़ादार रहेगी।